स्पेस यानी कि अंतरिक्ष में अगर किसी अंतरिक्ष यात्री की मौत हो जाती है तो उसकी डेड बॉडी को वापस धरती पर लाया जाता है या फिर उसे अंतरिक्ष में ही हमेशा के लिए छोड़ दिया जाता है। आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। देखिए, अगर धरती पर किसी की मौत हो जाती है तो उसकी डेड बॉडी को या तो जलाया जाता है या फिर उसे दफना दिया जाता है जिससे कि डेड बॉडी खराब ना हो। लेकिन अंतरिक्ष में आप ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आप डेड बॉडी को अंतरिक्ष यान से बाहर निकाल के अंतरिक्ष में जलाने की कोशिश करोगे तो वह नहीं जलेगी, क्योंकि अंतरिक्ष में ऑक्सीजन नहीं होती है और ऑक्सीजन के बिना आग जलाना पॉसिबल नहीं है। नासा के एस्ट्रोनॉट टेरी विट्स ने बताया है कि अगर किसी एस्ट्रोनॉट की अंतरिक्ष यान के अंदर मौत हो जाती है तो उसकी डेड बॉडी को अंतरिक्ष यान के अंदर स्टोर करने या फिर रखने की कोई अलग से सुविधा नहीं होती है और स्पेस मिशन तो कई कई महीनों तक चलते हैं, तो उस डेड बॉडी की वजह से स्पेस मिशन को कैंसिल नहीं किया जा सकता है और ना ही डेड बॉडी को ज्यादा समय तक स्पेस यान के अंदर रख सकते हैं, क्योंकि कुछ समय बाद डेड बॉडी सड़ने लगेगी। इसलिए डेड बॉडी को एयरलॉक में पैक करके अंतरिक्ष यान से बाहर निकाल के उसे अंतरिक्ष में हमेशा के लिए छोड़ दिया जाता है और डेड बॉडी एक जैसी कंडीशन में हमेशा के लिए अंतरिक्ष में भटकती रहेगी, क्योंकि अंतरिक्ष की ठंड के कारण डेड बॉडी बर्फ यानी कि मम्मी में बदल जाएगी और अंतरिक्ष में वायरस या फिर बैक्टीरिया नहीं होते हैं, इसलिए डेड बॉडी कभी भी खराब नहीं होगी। लेकिन अपोलो मिशन के समय स्पेस सूट जिसे अंतरिक्ष यात्री पहनते हैं, जब उसकी टेस्टिंग चल रही थी तो एक बात सामने आई थी कि अंतरिक्ष में डेड बॉडी फट जाएगी, क्योंकि अंतरिक्ष में निर्वात होता है यानी कि अंतरिक्ष में हवा नहीं होती है और हवा ना होने के कारण अंतरिक्ष में वायुमंडलीय दाब नहीं होता है। लेकिन हमारी बॉडी वायुमंडलीय दाब के कारण ही संतुलन में रहती है। अगर हमारी बॉडी के ऊपर से वायुमंडलीय दाब हटा लिया जाए तो हमारे शरीर की नसें फट जाएंगी और नसों से खून बाहर आ जाएगा और हमारे लंग्स यानी कि फेफड़े भी फट जाएंगे, क्योंकि फेफड़ों के अंदर हवा होती है। डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार अभी तक अंतरिक्ष में केवल 3 एस्ट्रोनॉट की ही मौत हुई है, लेकिन अब एस्ट्रोनॉट की डेड बॉडी को वापस धरती पर लाया जा सकता है, क्योंकि स्वीडिश कंपनी प्रोमेसा अंतरिक्ष ताबूत बनाने का काम कर रही है जो कि एक एस्ट्रोनॉट की डेड बॉडी को बर्फ के क्रिस्टल के फ्रीज ड्राई टैबलेट में सुरक्षित रखेगा और धरती पर वापस आने के बाद डेड बॉडी को उसमें से निकालकर उसका अंतिम संस्कार किया जा सकता है।